इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी, पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल के दूसरे लेक्चर में आज हम आगे पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। ये हम सभी जानते हैं वायुमंडल क्या है। हमारी पृथ्वी को चारों ओर से एक गैसीय परत या वायु का आवरण घेरे हुए है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे त्रिवर्था, उनके अनुसार पृथ्वी को परिवेष्टित करने वाले गैसों के एक विस्तृत आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी का अभिन्न अंग है, इसको यह चारों तरफ से घेरे हुए है। इसके अंदर गैसियस मटेरियल बहुतायत में पाया जाता है और यह गैसियस पर्थ कहलाता है। यह पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर या इससे अधिक की ऊंचाई पर उपस्थित है, जो कि अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। इसके साथ ही इसका संपर्क पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के पर्यावरणीय घटक में पाया जाता है। इन गैसीय पदार्थों की, जो कि वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, इनकी पर्यावरण के जो घटक हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, उन घटकों के साथ पारस्परिक क्रिया होती है और ये दोनों क्रियाएं, जो गैसियस अमाउंट वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में उपस्थित है और जो पर्यावरणीय घटक हैं, उनके बीच में परस्पर प्रक्रियाएं होती रहती हैं और ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर जो जैविक घटक हैं, पेड़ पौधे प्राणी, उन सबको संबल प्रदान करते हैं, उन सबको जीवन प्रदान करते हैं, उनके जीवन को क्षमता प्रदान करते हैं, उनके जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के बाहर गैसों का एक आवरण है, गैसों की एक परत है, जो पृथ्वी की सतह से लेकर बाह्य अंतरिक्ष तक फैली हुई है, जिसमें गैसों की अलग अलग प्रकार की मात्रा और अलग अलग प्रकार की वैरायटी पाई जाती है। ये गैसियस कंपोनेंट्स, ये गैसीय घटक दूसरे पर्यावरणीय घटकों के साथ मिलकर जो जैविक घटक है पर्यावरण का, उसके जीवन जीने की संभावना को स्थापित करते हैं। इसके साथ ही वायु की उपस्थिति समस्त जीवों के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है उनके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, यह वायु में विद्यमान होती है। मानव जीवन के लिए, दूसरे जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, वो उनकी श्वसन क्रिया के लिए होती है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में वायु की कुल मात्रा लगभग 6×10^15 टन है। ये जो कुल मिला के क्षमता है वायु की, जो वायुमंडल में उपस्थित है, ये वायु में अलग अलग जगह पर वैरी करती है। तो जो पृथ्वी के सतह पर है और उससे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो वायु थोड़ी हल्की होती जाती है। तो वायुमंडल की अनुमानित ऊंचाई 1000 किलोमीटर में से वायु का 75% भाग सिर्फ नीचे के 16 किलोमीटर के दायरे में उपस्थित है और रिमेनिंग भाग लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। मतलब वायु का सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी से लेकर 16 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई वाला भाग है उसमें पाया जाता है, और जो बचा हुआ 25% है उसका भी 50% भाग उसके ऊपर स्थित 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो बचा हुआ भाग बाकी पूरे वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाया जाता है। मतलब वायु का घनत्व पृथ्वी से लेकर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, और उससे ऊपर जब हम बढ़ते जाते हैं तो वायु का घनत्व कम होता जाता है। इसके अंदर कई प्रकार की गैसीय संरचनाएं उपस्थित होती हैं। अगर हम वायुमंडल का संगठन देखते हैं, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है
हमने 9 से लेकर 12 तक में कई बार ये वायुमंडल की संरचना पढ़ रखी है और उसमें हम जानते हैं कि मुख्य रूप से उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण पाया जाता है। अन्य कई तरह की गैसें भी इसके अंदर उपस्थित होती है, परंतु उनकी मात्रा अत्यंत कम या नहीं के बराबर होती है। वायुमंडल में कई तरह की गैसेस पाई जाती है, परंतु मुख्य रूप से उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में धरती से 150 किलोमीटर की ऊंचाई से अधिक वाले क्षेत्र में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर धरती से 150 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वह होती है हाइड्रोजन और हीलियम। इसीलिए वायुमंडल को जीवन के लिए आवश्यक अनेक तत्वों का भंडार गृह भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए परम आवश्यक है और ऑक्सीजन मनुष्य और प्राणियों के लिए जीवदायी गैस कहलाती है। तो यह जीवन का जो आधार है, जो वायु है, वो वायुमंडल में हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर संपन्न विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य वायुमंडल द्वारा संधारित होते हैं। वायुमंडल गैसेस के अलावा भी बहुत सारी ऐसे दूसरे कार्य हैं जो करता है, जैसे पृथ्वी से सूर्य पर आने वाली विकिरण ऊर्जा को छानना। ये हम जानते हैं कि वायुमंडल में एक ओजोन की परत होती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है और जिससे कि पृथ्वी का जीवन बचा रहता है। और मौसम व जलवायु के स्थायीकरण, मौसम व जलवायु के परिवर्तन इत्यादि के लिए भी वायुमंडल उत्तरदायी होता है। इसके अलावा धरती की सतह को यह ऊष्मा से भी बचाता है। सन की जो डायरेक्ट हीट पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, क्योंकि वायु की पूरी मंडल, वायु का पूरा स्तर, वायु का पूरा आवरण पृथ्वी के चारों तरफ पाया जाता है। वायुमंडल के अगर हम घटक देखते हैं तो उसमें उपस्थित प्रमुख जो गैसें हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है नाइट्रोजन, जो कि 78.08% उसका आयतन है और उसका भार है 75.50%। मतलब मुख्यतया जो गैस वायुमंडल में पाई जाती है वह नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, जो कि 20.95% पाई जाती है आयतन की दृष्टि से और उसका भार है 23.10%। तो इसमें दो तरह से इसके प्रतिशत की मात्रा दे रखी है, एक तो उसका वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है, और दूसरा उसका भार कितना है, उसका मास वेट कितना है एटमॉस्फेयर में, उसके आधार पर इसके प्रतिशत विभाजित कर रखे हैं। तो सबसे बहुतायत में जो गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन है और उसके पश्चात उसके अंदर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तीसरे नंबर पर ऑर्गन गैस है, जो कि 0.93% आयतन के हिसाब से है और 1.30% उसका वजन है, उसका भार है। चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो 0.03% तो आयतन के हिसाब से पाई जाती है और 0.05% उसका भार पाया जाता है। तो ये मुख्यतया जो गैसेस हैं ये वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैस है जो कि मुख्यतया पाई जाती है। उपरोक्त मुख्य चार गैसों के अलावा भी वायुमंडल में कई गैसें अल्प मात्रा में भी पाई जाती है, जिसकी प्रतिशत मात्रा आपको यहाँ तालिका में दी हुई है। ये गैसेस हैं नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये भी कुछ गैसेस हैं जो कि वायुमंडल में पाई जाती हैं, परंतु इनका प्रतिशत बहुत कम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओजोन का कितना कम प्रतिशत है, परंतु फिर भी एक ये पूरी लेयर बना के पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरणों से बचाता है। तो माना कि इनका आयतन कम है, बहुत कम प्रतिशत में ये गैसेस पाई जाती हैं, परंतु फिर भी इनका अपना एक मुख्य रोल होता है वायुमंडल की गैसों के रूप में। इसके जो दो गैसेस हैं उसके अलावा भी वायुमंडल में लगभग 4% वाटर वेपर या जलवाष्प होता है। और जैसे जैसे हम जानते हैं कि औद्योगिक महानगरों में जो वायु में प्रदूषण पाया जाता है, उस वजह से वायु प्रदूषण के कारण वहाँ के वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि गैसेस भी विद्यमान होती है, जो मुख्य गैसेस और अल्प गैसेस के अलावा भी कुछ ऐसी सिंथेटिक गैसेस होती हैं जो कि औद्योगिक प्रक्रियाओं के तहत वहाँ के वातावरण में उपस्थित होती है, वह भी वायुमंडल का एक प्रकार बनाती है। और उसके अलावा जो जल वाष्प है वह भी लगभग 4% पाया जाता है। गैसेस के अलावा यह वायु में ठोस कण जैसे धूल, धुआं, कवक, बीजाणु, परागकण, पौधे के बीजाणु, सूक्ष्म जीव इत्यादि भी निलंबित अवस्था में मौजूद रहते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडल में किस तरह से चीज़ें पाई जाती हैं, तो जो मुख्य गैसेस हैं उनके अतिरिक्त जो अल्प मात्रा में गैसेस हैं उसके अलावा हर जगह का अपना एक लोकल एनवायरनमेंट रहता है जो वहाँ पे उपस्थित उद्योगों, औद्योगिक संस्थानों की वजह से बनता है। और उसके कारण उसके अंदर कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो हैं जो फल प्रदूषण के फलस्वरूप वहाँ पर उपस्थित होती हैं। वो गैसेस हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन इत्यादि। इन गैसेस मामलों के अलावा भी कुछ ऐसे ठोस कण हैं जो वायुमंडल में पाए जाते हैं जैसे धूल, धुआं, कलक, कवक, बीजाणु, परागकण, स्पोर्स, सूक्ष्म जीव इत्यादि भी वहाँ पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो मुख्य गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका चक्र एक संचालित होता है और यह चक्र वायुमंडल, मृदा और प्राणियों और जल के बीच में देखा जाता है। आपने साइकिल देखी होगी, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल। तो ये गैसेस इन तीन चार माध्यमों के मध्य चक्रीय रूप में एक से दूसरे माध्यम में चलती जाती है, संचालित होती जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रकृति में संतुलन बना रहता है। श्वसन क्रिया समस्त जीवधारियों में निरंतर होती रहती है और इसके अंदर जैसे हमने बताया कि वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतु श्वसन में निकालते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड पादप अपने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए उसका कार्य करते हैं, उसका उसमें उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें साइकिल के रूप में वातावरण में चलती रहती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% होते हुए भी यह एक निष्क्रिय गैस है जिसका कि पौधे वायुमंडल में पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि पौधे वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अपने उपयोग के लिए नहीं ले सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस प्रोटीन्स, क्लोरोफिल और एंजाइम का मुख्य भाग होता है, डीएनए का मुख्य भाग होता है, कई तरह की जो जैव क्रियाएं हैं श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, इसमें इनका उपयोग होता है। तो नाइट्रोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी जीव जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये हम जानते हैं कि पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में ही इसको ले पाते हैं। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाने के लिए मृदा के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और उसके लिए कुछ जीव, सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ नील हरित शैवालें होती है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में कन्वर्ट करती है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। जब ये इसका स्थिरीकरण कर देती है और उनको नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट करती है, वही यह पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं और उसका संचरण पूरे जीवों में होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल जब हम बनाते हैं तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं, उसका पहले नाइट्रेट और नाइट्राइट में विघटीकरण होता है और उसके बाद वह पौधे को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें हैं, परंतु इन गैसों के अतिरिक्त जो वाटर वेपर या जलवाष्प पाया जाता है वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो कि वायुमंडल की आर्द्रता को बनाए रखता है,
वायुमंडल के ताप को नियंत्रित करता है। ठंडी, गर्म, नम या सूखी जैसी भी हवा होती है, यह वाटर वेपर की उपस्थिति के कारण होती है और इसका पौधे के विभिन्न वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वायुमंडल के जितने भी घटक हैं, जितने भी गैसीय संरचनाएं हैं, वह सब पादप जीवन या मनुष्य जीवन या जीव जंतुओं के बहुत ही सहयोगी है और उनके लिए अति आवश्यक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको यह बेसिक जानकारी वायुमंडल के घटक के रूप में जो आपको दी गई है वह आपको समझ में आई होगी और आप इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।